नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब माय स्मार्ट ट्रिक में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए रिलायंस जियो की नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आए हैं। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप देख सकते हैं रिलायंस जियो की तरफ से इस साल 2022 की बंपर वैकेंसी आ चुकी है और इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता है यानी कि क्वालिफिकेशन है वो केवल 10वीं पास है। तो दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास भी है या ग्रेजुएट पास भी है तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है रिलायंस जियो की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, डायरेक्टली आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आपका यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल अप्लाई कीजिएगा, आपको यहां पर ये जॉब बड़े ही आसानी से मिल सकती है और वो भी काफी जल्दी आपको जॉब मिल सकती है। और दोस्तों यहां पर अप्लाई करते समय आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं रिलायंस जियो की जॉब के लिए। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, हम आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी की जानकारी देंगे। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रिलायंस जियो की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कंप्लीट जानकारी और अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर sarkaritodaynews.com पर, यहां पर आप जाकर के कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। दोस्तों यहां पर रिलायंस जियो की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, यहां पर जो प्रोफाइल है यानी कि यहां पर जो वैकेंसी है, पोस्ट है, वो है जियो कस्टमर एसोसिएट की पोस्ट है। जियो कस्टमर एसोसिएट की पोस्ट है यहां पर। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है फ्रीलांसर की जॉब है, ठीक है, फ्रीलांसर की जॉब है और अप्लाई केवल आपको यहां पर ऑनलाइन करना होगा। ये जो जॉब का टाइप है वर्क फ्रॉम होम जॉब है, यानी कि रिलायंस जियो की इन जॉब के लिए आप केवल घर बैठे काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं घर बैठे काम करके पैसा कमाने के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहां पर ये जो जॉब निकाली गई है इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया की जो कैंडिडेट्स है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप यहां पर हाउसवाइफ हो, चाहे आप यहां पर स्टूडेंट्स हो, चाहे आप यहां पर कोई जॉब करते हो, चाहे आप यहां पर कोई भी अगर आप वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, तब भी आप इसे एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपका केवल इंटरव्यू होगा जो कि आपका वर्चुअल इंटरव्यू यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यहां पर ऑनलाइन ही आपका यहां पर इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आपको यहां पर सिलेक्शन होगा, जॉब मिलेगी। वहीं दोस्तों सैलरी के बारे में आपको बता दें तो सैलरी आपको यहां पर 32,000 रुपए यहां पर आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है और यहां पर जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की है। वहीं दोस्तों एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अप्लाई करते समय आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहां पर फ्री में आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप एज अ फ्रेशर है या एक्सपीरियंस होल्डर है तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10th पास 12th पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर साफ साफ बताया गया है अगर आप केवल 10वीं पास है, 10th क्लास पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपके पास में कुछ स्किल भी होनी चाहिए, अगर आपके पास ही कुछ स्किल्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि नंबर वन जो स्किल है वो बेसिक नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, अगर आपको लिखना और पढ़ना अच्छे से आता है बेसिकली तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यहां पर जो सेकंड नंबर है स्मार्टफोन का यूजेज, अगर आप मोबाइल फोन चलाना जानते हैं, उसमें इंटरनेट को चलाना जानते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यहां पर स्पीक लोकल लैंग्वेज, अगर आपके आसपास में जो भी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है आपके स्टेट या सिटी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको केवल हिंदी भी आती है तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल, दोस्तों यहां पर आपको सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर को कैसा हैंडल करना है आपको, ये स्किल भी आपके पास होना चाहिए। और यहां पर एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, अगर आपको यहां पर आपके पास में एबिलिटी है कि आप लर्न कर सकते हैं कुछ भी चीज आसानी से तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। गोल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, अगर आपके पास में गोल है कि आप रिजल्ट पा सकते हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कुछ जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि ये जो वैकेंसी है कस्टमर एसोसिएट
एसोसिएट की है, तो कंपनी के जो भी कस्टमर होते हैं उन्हें ही आपको हैंडल करना होगा। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में क्वेरीज जो भी आती है वो आपको शॉर्ट आउट करनी होती है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी होती है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी देनी होती है, उनकी जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल इश्यूज होते हैं क्वेरीज होती है वो आपको शॉर्ट आउट करनी होती है। तो कंपनी को यहाँ पर आपको जो है डाटा फॉरवर्ड करना होता है इन्फॉर्मेशन लेकर के। और दोस्तों अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई करने का बटन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आप जस्ट क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी निकल कर आ रही है फ्रीलांसर की वैकेंसी है जो कि जियो कस्टमर एसोसिएट की है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट से वैकेंसी निकल कर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट से वैकेंसी है, जैसे कि चेन्नई से है, बिहार से है, जम्मू से भी है वैकेंसी यहाँ पर। तो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों जियो कस्टमर एसोसिएट की पोस्ट पे वैकेंसी है जो कि फ्रीलांसर की वैकेंसी है, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने नजदीकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली करना होगा क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी मेंशन कर रखी है, लोकेशन क्या है और यहाँ पर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर 10वीं पास, केवल 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है और अप्लाई करने का बटन दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉग इन कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो न्यू यूजर पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने कुछ छोटा सा फॉर्म आएगा जिसको आपको फिलअप करना है, उसमें आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री क्या है, कोड क्या है यहाँ पर, यह आपको सब चीज जानकारी डालने के बाद में आपको फॉर्म को कंफर्म करके सबमिट कर देना है। उसके बाद लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको अप्लाई करना होगा रिलायंस जियो की इस वैकेंसी के लिए। अगर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।